बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, आपको 1 साल 2 साल 4 साल हो गया और आपकी कंपनी में सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो वो मैं इसमें बताऊंगा कि आप कंपनी में क्या काम करो या किस तरीके से आप अपनी सैलरी बढ़वा सकते हो, पूरा डिटेल में बताएंगे। सो ये वीडियो लास्ट तक का जरूर देखते रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी करूंगा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि इस पर ऐसी नॉलेजेबल और ट्रस्टेड वीडियोज आती रहती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आर्ट इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है लाइफ का, एक पैसा यानी कि एक सैलरी। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी सैलरी आपको चाहिए पैसा कमाना। अगर आप एक बिजनेसमैन हो या बिजनेसमैन बनना चाहते हो तब भी आपको वहाँ पे पैसा चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो ज़रूरतें होती हैं ना, मेन चीज़ पैसा ही होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको 1 साल तक तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप किसी भी कंपनी में गए हो, 1 साल तक वहाँ पे आपने स्ट्रगल किया, इसके बाद में आपको 1 साल से ऊपर हो गया, आप कंपनी आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रही है, तो दोस्तों सीधा सा मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस और अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि पहले आप अपना टारगेट सेट करो कि मुझे अगले 2 साल में, फॉर एग्जाम्पल अगर सैलरी आपकी 20,000 है तो आप ये टारगेट कर लो कि हमें अगले 2 साल में सैलरी 40 तक करनी है। अब चाहे हमें ये करंट कंपनी सैलरी दे और चाहे हमें कंपनी चेंज करनी पड़े या कंपनी स्विच करके जाना पड़े, तो पहले आप अपना एक टारगेट सेट करो कि मुझे 30 तक पहुंचना है, मुझे 40 तक पहुंचना है। अब दोस्तों मैं बात करूं करंट कंपनी, तो करंट कंपनी कोई सी भी हो जिसमें आप गए हो, तो कोई भी 6 महीने या 1 साल के पहले आपकी सैलरी नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप 6 महीने के बाद और 1 साल के पहले अगर आप कंपनी कोई भी छोड़ते हो, तो नॉर्मली आपको नेक्स्ट कंपनी 20 से 25% का हाइक दे देती है आपको कंपनी दूसरी ज्वाइन कराने में। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी में काम किया, आपको वहाँ पे 1 साल हो गया और आप वहाँ पे 20,000 पे लगे, ठीक है, 20,000 पे लगे। अब कंपनी 1 साल में तो इतनी जल्दी सैलरी आपको बढ़ाएगी नहीं, एम्प्लॉय को 1-1.5 साल बाद अराउंड बढ़ाती है, कहीं लगभग लगभग 18 महीने बाद ही उनका हाइक अप्रेजल जो भी होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाती हैं, कई कंपनीज होती हैं जो 1 साल में बढ़ा भी देती हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मली जो लगभग लगभग देखा गया एक सर्वे में, तो वो कंपनी होता है स्टार्टर जो होता है, जो एक नया कैंडिडेट होता है, लगभग उसकी 18 महीने के बाद सैलरी बढ़ाते हैं। तो आप 20,000 रुपये वहाँ पे लगे, इसके बाद में आपने 1 साल तक काम किया, 1 साल 1 महीने के बाद आपने छोड़ दी, तो आपको दूसरी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे 25 मिल जाएगी बहुत ही आराम से, क्योंकि ये 25% अराउंड हो गया आपका 5,000 रुपये, तो आपको वहाँ पे लगभग 25 मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक करेंट कंपनी में बने रहोगे तो 25 तो मिलनी ही नहीं है, 25 तो देंगे भी नहीं, अगर आपकी बढ़ाएंगे भी वो कितना करेंगे, 23-24 या 22-23-24 ऐसे ही अराउंड कुछ आपकी वहाँ पे सैलरी देंगे। तो सबसे बेस्ट और गुड आइडिया है कि आप कंपनी को स्विच करो, दूसरी कंपनी पकड़ो और वहाँ पे जाकर जॉब करो। इसमें 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है, दूसरा जो लाइफ का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको हर एक कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, चीज़ें नई नई सीखने को मिलती है जो कि फ्यूचर करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा वो बेटर होती हैं। अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन अभी आता है कि 6 महीने 1 साल बाद आप कंपनी छोड़ते रहोगे तो कंपनी में रेपुटेशन नहीं रहेगी। मैंने बताया ना कि जब आपकी वो लिमिट तक पहुंच जाए, फॉर एग्जांपल आपकी लिमिट 40 तक थी, आप वहाँ पे पहुंच गए, उसके बाद आप किसी कंपनी में रुक जाओ 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल तक, उसके बाद आप एक कंपनी में रुको, ये नहीं कि आप छोड़ते चले जाओ 6 महीने 1 साल 6 महीने 1 साल, तो डेफिनेटली सी बात है वो रिज्यूमे में गलत हो जाएगा, यानी कि वो अच्छा नहीं लगेगा, वो कंपनी सोचती है कि आप तो रुकते ही नहीं, फिर वो लेते भी नहीं जल्दी से। और सीधी सी एक बात आप मन में बिठा के रखो, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो सीधी सी एक बात अगर जान लो कि कंपनी ना हमसे है ना हम कंपनी से, ये हमेशा दिमाग में टच करके रखो, क्योंकि अगर कल कुछ भी ब्लंडर मिस्टेक कर दी तो कंपनी तुरंत टर्मिनेशन दे देगी, तुरंत वार्निंग दे देगी, तो सीधा सा एक फंडा रखो। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो के नीचे ही रेड कलर का बटन दे रहा हो वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपका मिस ना हो। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। और अदर वीडियोस के लिए, जॉब एक्सपीरियंस रिलेटेड वीडियोस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में कई सारी लिंक है, आप वहां पे जाके चेक करो, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद जय भारत।